नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पोइट्स ऑफ इंडिया के इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है कविता घर से। भाई कोरोना की वजह से जहां सारी दुनिया परेशान है, लॉकडाउन चल रहा है यहां, तो हम सभी अपने अपने घरों से ही काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो हम कवि भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हम घर से ही अपनी कविता सुनाएंगे। और इस कार्यक्रम में हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं एक बार उनका परिचय आपसे करवा दूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई नीर गोरखपुरी जी, हास्य कवि हैं और एनजी न्यूज़ के संपादक हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई शिवम मिश्रा जी, कवि हैं और बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो नीर जी, शुरुआत आपसे करते हैं, क्या कर रहे हैं इन दिनों आप अपने घर में लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं? विनीत जी, वैसे ये सवाल के लिए तो आपको सजा हो जानी चाहिए बहुत बड़ी क्योंकि ये सवाल ऐसा है कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। आलम यह कि अगर आपके घर में अगर चोरी भी हो जाए तो आप पुलिस को अगर फोन करेंगे तो चोर तो बाद में पकड़ेंगे, पहले पुलिस आपको पकड़ेगी और कहेगी ये बता तो बाहर। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। तो इसलिए ये सवाल आपका बिल्कुल, मैं कहूंगा नाजायज सवाल पूछा है आपने। हम घर पे ही होंगे और कहीं जा भी नहीं सकते। सही है, चलिए तो फिर नीर जी, ऐसा है जिस चीज के लिए आप जाने जाते हैं, अपनी हास्य कविताओं के लिए जाने जाते हैं, अपनी पॉलिटिकल मिमिक्री के लिए जाने जाते हैं, टीवी के तमाम चैनलों से आपको पूरी दुनिया ने देखा है, तो हम चाहेंगे कि आप अपनी कुछ कविताओं से हमारे दर्शकों का मनोरंजन करें। तो नीर गोरखपुरी, स्वागत स्वागत है नीर जी। जी बिल्कुल, मैं स्वागत करता हूँ और पॉइंट्स ऑफ इंडिया के बहुत शानदार इन्होंने ये तारीफ करी है, बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट मेरे को लगा, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और सबसे पहले शुरुआत करता हूँ कि आज कोरोना का जो माहौल चल रहा है इस पर क्या कहें। कोरोना देखिए, ये सभी सबसे पहले मैं क्योंकि हादसे व्यक्त कभी हूँ, हादसे की बात करता हूँ, तो ये माहौल ऐसा चल रहा है विनीत भाई कि आप देखेंगे कि सभी पति घर में है। जी बिल्कुल, तो सही इतना तो आप विश्वास नहीं मानेंगे, कम वक्त शादी के बाद आदमी पत्नी के साथ नहीं रहा था जिस तरह अभी रहना पड़ रहा है। और इतनी तकलीफ में है देश के पति कि अगर जल्द इसका समाधान नहीं निकला तो डॉक्टर साइंटिस्ट का तो पता नहीं, कोई पति जरूर वैक्सीन निकालेगा। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं नीर जी। और डॉक्टर को जाके कहेगा ले भाई वो पकड़ो और लॉकडाउन खुलवाओ, फटाफट हमें तुम घर पे भेजो, मैं काम पे भेजो। अच्छा, तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि पूरा देश अभी कोरोना को लेकर मना क्या रहा है। अच्छा, एक रुझान, एक मैं पैरोडी आपके सामने रखता हूं, एक रुझान ये भी आ रहा है, देश मना, एक रुझान ये भी आ रहा है, शिवम जी कुछ कह रहे हैं, एक रुझान ये भी आ रहा है कि घरों के सारे बर्तन साफ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल साफ हो गए हैं। हाँ, लोग बागों ने अपने शीशे उतार के थालियों की बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर एक पैरोडी रखता हूं, स्वागत स्वागत है, स्वागत स्वागत, पूरा देश क्या मना रहा है कोरोना को लेकर, कोरोना के आगे बैठकर क्या बोल रहा है, इस जैसी चीज से इतना परेशान हो गया। सुनिए जी, स्वागत है। कोरोना कोरोना जाओ, वाह, जाओ अभी हमें छोड़ के कोरोना कोरोना जाओ अभी हमें छोड़ के करोना वादा करोना हमें भूल जाना, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया नीर जी, बहुत क्या रिदम है। जाओ हमें छोड़ के देखिए आदमी कर क्या रहा, घर में बैठा बैठा परेशान है जी, घर में बैठे बैठे डांट ही पड़ती है, पड़ती है, कितना FB देखूं आंखें दुखती है, दुखती है, पल पल जाकर हाथों को मैं धोता हूँ रेखा ना मिट जाए सोच के रोता हूँ। अच्छा है भाई की किस्मत, उस्मत धर्मन की रेखा ना मिट जाए टेंशन में। अच्छा है, रेखा ना मिट जाए सोच के रोता हूँ, कोरोना पापी वायरस वुहान जाना, हमें भूल कर तू अपने घर को जाना, वाह वाह, कोरोना जाना, जाओ अभी छोड़ के हमें छोड़ के, वाह वाह, जवाब देखिए। शुक्रिया शुक्रिया,
अब इसका विनीत भाई जवाब देगी आप जी। आप तो भी परेशान है लेकिन मैं कवि हूँ क्योंकि मैं सलाह भी देता हूँ, आपको पता है मैं बड़े बड़े नेताओं की इंटरव्यू भी लेता हूँ, जी जी आदमी भी हूँ, तो मैं सलाह दे रहा हूँ कि कोरोना से बचना है तो कैसे बचूं। जी भोजपुरी का बड़ा लोकप्रिय गीत रहा, हाँ। उसकी तर्ज पे एक और पैरोडी सुनी। स्वागत है। हथवा में हैंड वॉश डाल डाल, क्या बात क्या बात। हथवा में हैंड वॉश डाल डाल रे, बन जा कोरोना के काल काल रे। बड़ा अच्छा संदेश। हथवा में हैंड वॉश डाल डाल रे, बन जा कोरोना के काल काल रे। दिक्कत क्यों आ रही लोगों को, घर जी में बहरे तू घूमे लाका है। क्या बात। घर जी में बहरे तू घूमे लाका है, मुहवा न मास्क से तो पे लका है, तो पे लका है, खींची पुलिसो अब खाल रे। वाह 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 वाह। खींची पुलिसो अब खाल खाल रे, हथवा में हैंड वॉश डाल डाल रे, खींची पुलिसो अब खाल खाल रे, हथवा में हैंड वॉश डाल डाल रे। बहुत अच्छे। सारी चीजें चल रही है विनीत भाई, कोरोना है, मैं यहाँ पर जो दिक्कत थी वो भी बताई और जो समाधान है वो भी बताया। तो इस पर देखिए, चीन ने बहुत अच्छे अपने सैनिक भेजे हैं, ये कोरोना नामक, ठीक है, कोरोना नामक बहुत अच्छा सैनिक है, लेकिन हम लोगों को ये भी समझना चाहिए हमारी मर्दानगी ऐसी भी है। चीन के इस प्रकोपी और विनाशकारी जो सैनिक को हम घर बैठे बैठे हरा सकते हैं, हम लोग समझ नहीं रहे, घर बैठे ही हरा सकते हैं। सही बात। की जरूरत है ना किसी शस्त्र की जरूरत है, हम घर बैठे बैठे हरा सकते हैं, बिल्कुल बात है ना। तो ये चीज समझनी पड़ेगी और मुझे लगता है कि समय का वो है सीमा, और को भी सुनना है। जी जी जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुनाया आपने, एकदम समसामयिक और एकदम समकालीन। शुक्रिया शुक्रिया। और इसमें संदेश जो आपने दिए, ये जो अच्छा। संदेश आपने दिए कभी धर्म निभाते हुए और साथ में गुदगुदाते हुए, ये काफी मतलब प्रधानमंत्री जी की जो मुहिम है इस देश की सुरक्षा और हम सबकी सुरक्षा के लिए, उसको भी बल प्रदान करेगा मुझे लगता है, और बहुत सारे लोग इससे सबक लेंगे। नहीं, ये सच में बहुत ही अच्छे तरीके से जो कोरोना से लड़ने के जो तरीके हैं, हाथ धोते रहना और सोशल डिस्टेंसिंग की बात, तमाम जो बातें कह रहे थे नीर भाई ने, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मनोरंजक तरीके से अपना संदेश जी रखा जी। है शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शिवम जी से जुड़ते हैं हम, शिवम जी बताएंगे कि इन दिनों लॉकडाउन में घर पे शिवम जी क्या कर रहे हैं। अब सर, अब लॉकडाउन में यही है कि डाउन है, और लॉक तो पहले मोदी जी ने कर ही रखा है, अब ये था डाउन नहीं थे, अब डाउन भी हो गए हैं तो सही अर्थों में लॉकडाउन लागू हो चुका है हम लोगों के ऊपर। अब ये है कि अब ये ज्यादा दिन अगर कहीं हम लोग अगर घर में ना बैठे, लोग बाग जो इस तरीके की समाचार और खबरें आ रही हैं कि लोग बाग अभी भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो अब डाउन के बाद अब कहाँ जाएंगे इसका कोई अता पता है नहीं। तो अब कम से कम इतना है कि यहाँ से जो है बर्तन तक धुलाई तो हो चुकी है, घर की पुछाई हो चुकी है, अब अपनी धुलाई बाकी है, तो कम से कम वहां तक न जाए मामला, इसी की कोशिश है। जी जी जी। तो कुछ पंक्तियां आप रखें इस कोरोना को लेकर, या जैसा भी आपका मन हो, वर्क फ्रॉम होम, कभी जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, तो आप इन दिनों क्या होमवर्क कर रहे हैं अपने घर में, कविताओं को लेकर के कुछ पंक्तियां जरूर रखें। नीर जी, खास आपका तवज्जो चाहूंगा, और विनीत जी बड़ा अच्छा, पहली बात तो मैं आप सब दोनों लोगों को और तमाम जो हमारे टीम के सदस्य हैं जो धीरे धीरे अलग अलग प्रोग्राम्स में जुड़ेंगे हमारे साथ, तो इस मुहिम के लिए और इस एक तरीके के सकारात्मक जो आपका प्रोग्राम शुरू हुआ है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही उचित है और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम शुरू हुआ है, इसके लिए आपको आभार व्यक्त करता हूं मैं, और बहुत बहुत साधुवाद देता हूं आप लोगों को। मैं दरअसल बहुत बढ़िया से नीर जी ने कोरोना के मामले में समसामयिक तरीके से और हंसी मजाक के लहजे में लोगों को सही बात समझाने की कोशिश की है। मैं दरअसल इसके दूसरे पक्ष की तरफ जाना चाहूंगा, और बहुत सारा एक विचार निकल के आया है इस पूरे मामले में, इस पूरी महामारी के मामले में, कि भाई ये जो संकट है, भले ये संकट चाइनीज संकट हमारे ऊपर थोपा गया है सब पूरे विश्व के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो जीवन शैली रही है, हमने जिस तरीके से प्रकृति के साथ अन्याय किया है, और जिस तरीके से हमने अपनी लिविंग, अब जैसे इतने दिनों में आपने देखा होगा जब घर पे हम लोग हैं तो हमें पता चला होगा कि हमारी लिविंग ज्यादा महंगी नहीं है, लाइफ स्टाइल ज्यादा महंगी है जी।
जी बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं उसको आप, हम मैं लेकर आप तक बात पहुंचाने की कोशिश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बात आप तक स्वागत पहुंचेगी। है। जी मैंने कुछ यूं कहा कि जीने के लिए जरूरी है, जीने के लिए जरूरी है रहना, खाना और सो जाना। अब इसके बाद तीसरे के अलावा चौथा हम लोग नहीं कर रहे इतने दिनों से। तो जीने के लिए जरूरी है रहना, खाना और सो जाना, औरों को अपना कर जाना, खुद भी औरों का हो जाना, औरों को वाह 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 औरों को अपना कर जाना, खुद भी औरों का हो जाना। इंसान की फितरत क्या कहिए, इंसान की फितरत क्या कहिए, बस अपने में ही खो जाना, खुद हंस लेना, खुद रो लेना, जीते जी मुर्दा हो जाना। वाह वाह वाह, खुद हंस लेना, खुद रो लेना, जीते जी मुर्दा हो जाना। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और इसी इसी तरीके की एक फिलोसफिकल कह लीजिए या मेरा जो अपना जीवन दर्शन है, जिसको कि मैं कह सकता हूँ कि संतुष्टि का जो भाव है वही कहीं ना कहीं हम भारतीयों को मजबूत बनाता है, और उसी भाव को समझते हुए शायद हमें ये संदेश हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे नेता ने दिया कि भाई आप लोग घरों में रहिए, आवश्यकताएं कम करिए, उसको मैं व्यक्त करता हूँ अपने तरीके से। मैं कहता हूँ जिंदगी पर न कोई जोर तो कमजोर रह कर क्या, जिंदगी पर न कोई जोर तो कमजोर रह कर क्या, ना हो उम्मीद सूरज की तो ऐसी भोर रह कर क्या, ना हो उम्मीद सूरज की तो ऐसी भोर रह कर क्या, पतंग जो मुक्त होकर उड़ रही है इन हवाओं में, पतंग जो मुक्त होकर उड़ रही है इन हवाओं में, बस यूं ही जिंदगी भी है ये कच्ची डोर रह कर क्या, बस यूं ही अच्छा जिंदगी है, भी अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया, ये कच्ची डोर रह कर क्या। और एक और बंद इसमें मैंने कहा है, देखिएगा जी, जो इंसान की एक कहते हैं ना कि भाई आदमी कोरोना से कम डरा हुआ है और डर से ज्यादा डरा हुआ है, बिल्कुल उस बिल्कुल, बात को अगर मैं है। आपको कहूं, जबकि कोरोना का इलाज बस इतना है कि जी घर में रहो, आराम से परिवार के साथ समय बिताओ और अपनी जिंदगी को तलाशो कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है जीवन का, तो उसको मैं कहना चाहूंगा जी, जी, बिल्कुल, कि ये ना खत्म होने वाली पिपासा है व्यक्ति की, मनुष्य की, जो कभी भी खत्म नहीं होगी, चाहे वो 200 साल जी ले। उस पर मैंने एक बात कही है, देखिएगा पहुंचे तो बताइएगा, बस यूं ही जिंदगी भी है ये कच्ची डोर रह कर क्या, अभी क्या और है पाना, क्या तुमको और खोना है, अभी क्या और है पाना, क्या तुमको और खोना है, जो जीली बस वो काफी है, जो जीली बस वो काफी है, यहाँ अब और रह कर क्या, जो जीली बस वो काफी है, यहाँ अब और रह कर क्या। तो ये कुछ बातें बहुत अच्छे बहुत जी बढ़िया। और इसमें एक और अपनी मैं छोटा सा मुक्तक आप लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा जी, स्वागत है। कुछ यूं है कि आज भी आपने देखा कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे सामने आए हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोस हम सबके सामने आ रहे हैं जिसके मन विचलित हो रहा है कि भाई हमारे जो इस समय जो पृथ्वी के भगवान हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, लोग बाग उनके साथ भी जो है जहालत करने से बाज नहीं आ रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, सलूकी कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, पुलिस वालों के साथ बहसबाजी कर रहे हैं और एक अपने आप को 21 दिन तक रोक नहीं पा रहे हैं, जबकि संकट उनके ऊपर भी उतना ही है जितना की बाकियों पे है। तो इस पर मैं एक छोटा सा मुक्तक आप लोगों के बीच में रखता हूं और उसके बाद अपनी वाणी को विराम देता हूं। चलो 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 तुम कर लो बदमाशी, चलो चलो तुम कर लो बदमाशी कि पासा हम भी फेंकेंगे। वाह वाह वाह, योगी जी ने फेंक दिया है वैसे जी जी। चलो 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 तुम कर लो बदमाशी कि पासा हम भी फेंकेंगे, गिरोगे छल की छत से तुम, तमाशा हम भी देखेंगे। वाह वाह, गिरोगे छल की छत से तुम, तमाशा हम भी देखेंगे, जिसे तुम पल भर की चाहत में यूं अपना मान बैठे हो, ऐसे जो बाबा है, मौलवी है, कोई भी है ऐसा व्यक्ति जो दकियानुसी विचार अभी भी परोस रहा है और लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं,
उनके लिए बात कही मैंने जी जी जी, जिसे जी। तुम पल भर की चाहत में यू अपना मान बैठे हो कि देगा जल्द तुमको भी वो झांसा हम भी देखेंगे, कि देगा जल्द तुमको भी वो झांसा हम भी देखेंगे। तो ये कुछ बातें मेरी रही, और बाकी विनीत जी बहुत बहुत आभार आपका इस मौके को देने के लिए। बहुत 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 अच्छा पढ़ा आपने, और विशेषकर आपका ये जो आखिरी मुक्तक था, इस मुक्तक को समझने की इस समय बहुत ज़रूरत है उन लोगों के लिए जिन लोगों को समर्थन करना चाहिए कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई में, हमारे सफाई कर्मचारी का, हमारे जितने डॉक्टर्स हैं उनका समर्थन करना चाहिए। लेकिन हम तमाम वीडियोज देख रहे हैं किस तरह से उनके साथ बदतमीजी बदसलूकी की जा रही है, उनका सहयोग नहीं किया जा रहा है। यहाँ एक बात और ऐड करना चाहूंगा। जी जी बताएं। इजराइल की एक सिटी में 40%+ जो पॉपुलेशन है वो कोरोना से संक्रमित हो गई है, और क्यों हुई है उसका कारण मैं आप खुद हैरान करेगा आपको, और अब उसी नक्शे कदम पे हम पूरा ये भारत चल रहा है, क्योंकि वहां उस सिटी के जो बाबाओं ने लोगों को गलत गाइड किया कि आप पूजा करिए मंदिर यहाँ पर, जहाँ पर आप धार्मिक स्थानों में जाइए और कोई डरने की जरूरत नहीं है। इस तरह से अंधविश्वास फैलाया गया कि वहाँ की पॉपुलेशन 40% से ज्यादा आज कोरोना से संक्रमित हो गई। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये धर्म गुरुओं का भी, ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके जो अनुयायी हैं, उनकी बातों को मानने वाले लोग हैं, उन तक वो सही संदेश पहुंचाने का काम करें, उनको दिग्भ्रमित करने का काम न करें, वरना जैसा कि नीर भाई बता रहे हैं ऐसी हालत होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बहरहाल आप दोनों विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े, भाई नीर गोरखपुरी जी, भाई शिवम मिश्रा जी, और हम दर्शकों से भी ये कहना चाहते हैं कि आप हमें ज़रूर बताएं कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। उससे पहले आपको भी सुनना है। हाँ बिल्कुल, आप एक राष्ट्रीय कवि हैं और आपकी एक अलग छवि है, जब तक आपका संदेश नहीं पहुंचेगा तब तक लोगों में जागरूकता की कमी रह जाएगी, हम सबका प्रयास अधूरा रह जाएगा। तो नहीं नहीं बिल्कुल, अगले संस्करण में जरूर सुनाएंगे, अगले संस्करण में जरूर सुनाएंगे, और फिलहाल जो है आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। समापन विनीत एक आपके एक मुक्तक से तो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात, पब्लिक डिमांड है। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक बात है, आई मैं चार पंक्तियाँ देता हूँ कि भाई यहाँ से जो कवि जो काम कर रहे हैं घर से, हंसने हंसाने का जो काम कर रहे हैं, ये हंसी ये खुशी क्यों ज़रूरी है इस तरह के लॉकडाउन का जो माहौल बना हुआ है, इस माहौल में हंसी क्यों ज़रूरी है। तो पंक्तियाँ मेरी कुछ यूँ हैं कि हंसी ये भी भुला देती कि है सीने में क्या रखा, हंसी ये भी भुला देती कि है सीने में क्या रखा, घुटकर जीने और गमों को है पीने में क्या रखा, घुटकर जीने और गमों को है पीने में क्या रखा, और मिली है जिंदगी हर हाल में कट जाएगी लेकिन, मिली है जिंदगी हर हाल में कट जाएगी लेकिन बिना जिंदा दिली के जीने में क्या बात है, ये मर्म क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम अगले अंक के साथ, अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्दी आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, शुक्रिया शुक्रिया, प्रणाम।